हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी का एक बयान, जिसका टाइटल है माँ और बेटे का आंसुओं से भरा वाकिया। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर एंड में देखते हैं, डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में क्या था। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करो, और अगर यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दो, बिकॉज इसके बाद में जो भी मेरी वीडियो जो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माँ की मोहब्बत के बारे में मैं आपको एक सच्चा वाक्य सुनाऊं। हमारे करीब में एक गांव था, मियाँ बीवी थे, गरीब थे। उनके यहाँ बेटा हुआ और बेटा शादी के कोई 20-25 साल के बाद हुआ। कई मरतबा शादी के बाद देर से औलाद होती है। तो जब बच्चा जवान हुआ तो मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके थे। बच्चा मेहनती था, लायक था, वो इंजीनियर बन गया। अब जब इंजीनियर बन गया तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसको SDO की नौकरी मिल गई अपने शहर में। SDO को कोठी भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है। उसने माँ बाप को कहा कि अम्मी आप शहर चले, हम देहात के बजाय शहर में कोठी में रहेंगे, वहाँ एयर कंडीशनर भी है, बिजली भी है, गाड़ी भी है, जिंदगी की तमाम सहूलियात हैं। माँ बाप ने कहा बेटा आप जाओ वहाँ ड्यूटी करो, रहो, और अभी कभी हमें मिलते के लिए आते रहना। तो बच्चा हफ्ते बाद 10 दिन बाद शहर से गांव आता और अपने माँ बाप को मिलता। इस दौरान बच्चे ने इरादा किया कि अब मैं अपनी शादी करवा लेता हूँ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा ज़िंदगी आपने गुजारनी है, जहाँ रिश्ता आपको कोई पसंद है हमें बताओ, हम आपकी शादी वहाँ कर देते हैं। तो शहर में एक अच्छा घराना था, उनके यहाँ एक लड़की का रिश्ता था जो पढ़ी लिखी भी थी, नेक भी थी। बच्चे ने निशानदेही की, माँ बाप ने रिश्ता डाला और लड़की वालों ने देखा कि लड़का इतना अच्छा है, SDO भी है, नेक नवाजी भी है, तो उन्होंने रिश्ता पसंद कर लिया और शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन 2-4 दिन तो गाँव में रही, फिर उसने खामिंद को कहा यहाँ तो पानी का पंप भी नहीं है, नलका है, तो मुझसे तो यहाँ गुजारा नहीं होता, न वाशरूम है तरीके का, न फलां है, न फलां है, तो मुझे तो शहर ले चलो। लड़के ने अपने माँ बाप को बताया, उनका कि बेटा तुम जाओ शहर अपनी बीवी के साथ और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारो, मगर कभी कभी मिलने के लिए आते रहना। तो बच्चा अपनी बीवी को लेके शहर आ गया। अब 5-7 साल जो गुजरे तो इनके 2-3 बच्चे भी इस दौरान हो गए। जब कभी बच्चा अपनी माँ बाप को मिलने के लिए आता तो वो घर बताता मैं 2 घंटे बाद आ जाऊँगा, मगर कुदरतन 2.5 घंटे लग जाते या 3 घंटे लग जाते, और बीवी साहिबा तो घड़ी को देख रही होती थी, आपने 2 घंटे कहे थे तो 2 घंटे में क्यों नहीं आए। हत्ता के थोड़े दिनों के शिकवे के बाद उस लड़की ने ज़रा सख्ती करनी शुरू कर दी, हाँ हाँ आप तो जाते हैं तो पिछले तो आपके लिए मर ही जाते हैं, आपको तो पिछलों की कोई सोच ही नहीं होती, आप तो बस माँ बाप के पास जाके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। अब बच्चा परेशान, माँ बाप के पास जाना भी ज़रूरी है और बीवी भी एक एक मिनट का ख्याल रखती है, ज़्यादा रहने नहीं देती वहाँ। बहरहाल नरम तबीयत का बच्चा था, इसने सुलझाने की समझाने की कोशिश तो की मगर बात सुलझी नहीं। इस दौरान इसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, तो लड़के ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू हुआ, अल्लाह की शान देखें कि लड़के की सिलेक्शन हो गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे सहूलियात भी बहुत अच्छी थी, और जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन था वो मक्का मुकरमा में था। अब इसने आके अपनी माँ को कहा कि अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊं। माँ ने कहा बेटा हम उस पाक देश को आज तक नहीं देख सके, तुम्हें अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो जाओ वहाँ जाके नौकरी भी करो, बच्चों का ख्याल भी रखो, और कभी कभी हज उम्रा भी कर लेना ताकि इबादत भी आपके साथ चलती रहे। उसने कहा बहुत अच्छा।
वो भी बच्चों को लेके मक्का मुकरमा चला गया। अब वहाँ की जिंदगी तो बहुत पुरसहूलत थी, बेहतरीन कोठी है, एयर कंडीशन कमरे हैं, खाने पीने की बहुत बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, गाड़ी मौजूद है, सहूलत है, नौकरी भी आसान थी। चुनाचे ये बच्चा वहाँ पर 13 साल रहा, हर साल हज करता था और वालदेन के लिए, बच्चों के लिए दुआएं मांगता था। मगर एक अजीब बात थी, हर साल जब हज का तवाफ़ ज़ियारत करता तो ये ख्वाब देखता, ख्वाब में कोई इसको कहता कि तेरी हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई, तो ये बड़ा परेशान होता। जब इसने 13वां हज किया तो इसने फिर रात को ख्वाब देखा, किसी ने कहा कि तेरी हज कबूल नहीं हुई, तो ये सुबह के वक्त हरम में गया, बैतुल्लाह के सामने खड़ा रो रहा है और दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई, मैंने 13 हज किए हैं और हर हज के बाद मैं ख्वाब देखता हूँ कि तेरी हज कबूल नहीं हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ थे, उन्होंने इसको देखा तो पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? इसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई। ये अल्लाह वाले भी बड़े नब्बाज होते हैं, जल्दी बात की तह तक पहुँच जाते हैं। उन्होंने फौरन पहचान दिया कि ये बच्चा जब से आया है 13 साल हो गए, कभी लौट के वापस नहीं गया, कोई और बहन भाई भी इसका है नहीं और माँ बाप का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। उन्होंने उसको बताया कि मियाँ तुम छुट्टी लो और 2 हफ्ते अपने माँ बाप के पास जाकर रहो, उनकी खैरियत दयाफ़्त करो, उनकी खिदमत करो, फिर वापस आना। चुनाचे इसने टिकट बनवाई और ये अपने मुल्क वापस आया। अब 13 साल के बाद जा रहा था और उस वक्त कोई सेलफोन भी नहीं होते थे, कोई रबते भी नहीं होते थे। आए गए बस्ती के लोग अगर मिल जाते तो वो बताते थे खैरियत के बारे में, वरना कोई पता भी नहीं चलता था। जब ये अपनी बस्ती के करीब पहुंचा तो इसके दिल में ख्याल आया कि मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरे माँ बाप किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं है, मैं पता तो कर लूँ। चुनाचे एक लड़का आ रहा था, उसकी उम्र थी 9 साल। इसने उसको रोका और अपने वालिद का नाम लेकर कहा कि बताओ भाई फलाँ मियाँ किस हाल में हैं। उसने कहा जी कि उनकी तो 6 महीने पहले वफात हो गई और उनकी बीवी बूढ़ी है, बीमार है, वो अभी जिंदा है, घर में है, और हमने सुना है कि उनका एक बेटा है जो सऊदी अरब गया हुआ है नौकरी के लिए, पता नहीं वो कैसा मनहूस बेटा है कि 13 साल में उसने अपने माँ बाप का पता ही नहीं किया। अब जब उस लड़के से इसने ये बात सुनी ना तो इसके दिल पे चोट लगी कि बात तो ये लड़का ठीक कह रहा है, लड़के को पता नहीं था कि वो इसी बंदे से बात कर रहा है। लड़का तो ये बात करके चला गया मगर इसके दिल में एक निश्चर चुप हो गया। अब ये सोच रहा है अगर मेरे अब्बू फौत हो गए तो मैं जाऊंगा तो अम्मी तो मुझे मिलेगी नहीं, अभी तो मुझे घर में दाखिल ही नहीं होने देगी, अम्मी बड़े गुस्से में होगी, कहेगी तू अपने माँ बाप तो अपने बाप की वफात पे भी नहीं आया, तुझे ख्याल ही नहीं है कोई, जा दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि मैं अपनी अम्मी को मनाऊंगा कैसे, मैं अपनी अम्मी के सामने हाथ जोड़ूंगा, मैं उनको कहूंगा अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा, मैं बाकायदगी से हर साल चक्कर लगाऊंगा। अब ये सोचता सोचता जा रहा है, इतने में घर आ गया। इसने देखा कि घर का दरवाज़ा लॉक नहीं था लेकिन वैसे बंद था, तो इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर में देखा कि सिहन में एक चारपाई है और उसके ऊपर इसकी वालदा जो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी वो लेटी हुई है। अब इसके जहन में ख्याल आया पता नहीं मेरी वालदा सो रही हैं या जाग रही हैं, अगर सो रही होंगी तो मैं इंतज़ार कर लूँगा, अगर जाग रही होंगी तो मैं सलाम करूँगा। चुनाचे ये बहुत दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, जब करीब पहुँचा तो इसने देखा कि इसकी माँ हाथ उठाए लेटे लेटे दुआ मांग रही थी। दिल में ख्याल आया मैं सुनूँ तो सही मेरी अम्मी दुआ क्या मांग रही है। जब करीब हो के इसने सुना तो इसकी माँ दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरा खामिन तो फौत हो गया, मेरा एक ही बेटा है जो मेरा महरम है दुनिया में, अल्लाह उसको बकरियत वापस पहुँचा देना ताकि जब मेरी मौत का वक्त आए तो दुनिया में मुझे कब्र में उतारने के लिए कोई मेरा महरम मौजूद हो। बेटा सोच रहा है कि अम्मी मुझसे बात ही नहीं करेगी,
और माँ की मोहब्बत का ये हाल है कि वो अल्लाह से दुआएं मांग रही है कि अल्लाह मेरा एक ही बेटा महरम है दुनिया में, उसे बखरियत वापस पहुँचा देना ताकि जब मेरी मौत आए तो मुझे कब्र में उतारने वाला कोई मेरा भी महरम मौजूद हो। जब इसने ये बात सुनी तो हैरान रह गया। इसने कहा, अम्मी मैं आ गया हूँ। माँ चौंक उठी, बेटा तुम आ गए हो? जी अम्मी मैं आ गया हूँ। तो माँ ने हाथ आगे बढ़ाया, बेटा मेरी आंखों पे मोतिया बिंद आ गया है, मुझे तुम्हारी शक्ल तो नजर नहीं आ सकती, जरा करीब हो जाओ, मैं तुम्हें बोसा दूँ और तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ लूँ। माँ की मोहब्बत का ये हाल है कि 13 साल के बाद बेटा आया है और उस वक्त भी माँ नाराज नहीं होती, कहती है बेटा मैं शक्ल तो देख नहीं सकती, जरा करीब हो जाओ, मैं तुम्हें बोसा दूं और तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ लूं। खैर वो बेटा चंद दिन वहां रहा, अल्लाह की शान के इस दौरान उसकी वालदा की भी वफात हो गई। उसने कफन दफन का इंतजाम किया, वालदा को दफनाया और फिर कुछ दिन के बाद वापस आया। अगला साल जब आया तो इसने फिर हज की। जब इसने तवाफ ज्यारत किया हज के बाद तो फिर रात को ख्वाब देखा, मगर इस दफा कहने वाले ने कहा कि ए नौजवान, अल्लाह ने तेरे इस हज को भी कबूल कर लिया और तेरे पिछले 13 हजों को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। खुश नसीब हैं वो बच्चे और बच्चियां जो अपने माँ बाप की खिदमत का मौका पा लेते हैं, वरना तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उनकी खिदमत करते हैं और जब बच्चा बड़ा होता है और खिदमत के काबिल होता है तो माँ बाप दुनिया से गुजर चुके होते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा के बारे में कहा, किसको होगा अब वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा खत न आने पर रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीमे शब में किसको मैं याद आऊंगा, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बस। औलाद जब माँ बाप की खिदमत के काबिल होती है, माँ बाप फिर दुनिया से चले जाते हैं, फिर हसरत और अफसोस के सिवा और कुछ नहीं होता। आसमां तेरी लहद पर शबम अफशानी करे, सब्ज़ ए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। तो अगर माँ की मोहब्बत का ये आलम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का क्या आलम होगा जो क़यामत के दिन 100 हिस्से अल्लाह के पास होगी और उस 100 हिस्से रहमत के साथ। लास्ट में शायद का कुछ इश्यू हुआ इस पूरी वीडियो में कि मुझे लग रहा है कि लास्ट के कुछ पॉइंट्स इसमें से मिस हो गए हैं, बट इस वीडियो का भी इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो यही मीनिंग था कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करो सही टाइम पे, जब आपके पास में टाइम है उनकी सेवा करो, बिकॉज एक बार जब टाइम निकल जाता है तब आपके हाथ में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जैसे कि पहले वाली मेरी जो वीडियो है एक दो जो माँ बाप को माँ बाप के ऊपर ही थी, तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने खुद बोला है कि आप हमारी इबादत बाद में करो, लेकिन अगर आप सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को देख भी लेते हो, उनका मीन्स उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे मिलना सलाम करना तो दूर की बात, लेकिन आप उन्हें सुबह उठ के एक नज़र भर के देख के भी दूर से चले जाओगे तभी भी मतलब आपका बोलते हैं ना कि आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाएगा, तरक्की मिलेगी हर चीज़ में, आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हो, उन्हें परेशान करते हो तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारी स्टोरी उन्होंने सुनाई थी जिसमें कि उन्होंने उनके बेटे का एग्जाम्पल दिया था कि वो ऑल्दो कि बेटा बहुत अच्छा था उनका, वो हमेशा उनकी सेवा करना चाहता था, बट कभी कभी होता है कि लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बंदा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता,
जैसे कि वो अपनी वाइफ के साथ भी मैनेज कर रहा था, साथ में अपने पेरेंट्स के साथ भी कर रहा था, तो उसने फाइनली यही डिसीजन लिया था कि मतलब बेटर है कि मैं इतना दूर चला जाऊँ इनसे कि मतलब मेरे पास कोई रीज़न नहीं हो कि मैं यहाँ पे आऊँ और मेरी वाइफ कंप्लेन करे या पेरेंट्स कंप्लेन करे कि इतना पास होकर भी ये आ नहीं रहा है। बट देखो उसके बाद भी जब वो हर साल हज भी कर रहा था तो अल्लाह ने उसकी हज को कबूल नहीं किया था और उसको ये मैसेज भी उसके सपने के थ्रू मिल गया था कि मतलब आप हज तो कर रहे हो लेकिन वो कबूल नहीं हो रही। और इसमें उन्होंने जो से एक चीज़ मेंशन की थी ना हरम, वो चीज़ मुझे नहीं पता कि हरम का क्या मीनिंग होता है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और दूसरा था उन्होंने बोला था नबाज, उन्होंने बोला था ना अल्लाह वाले भी बहुत नबाज होते हैं, तो नबाज क्या होते हैं मीन्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या क्या होता है, या वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को, उनका ये कहने का मीनिंग था। तो ये दूसरा सेंटेंस है जो आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या मीनिंग है। और हाँ उन्होंने बोला था कि जब वो अपनी मम्मी से मिलता है फाइनली आफ्टर यू नो 13 ईयर्स, जब अपने गांव में आता है अपनी मम्मी से मिलता है तो उसकी मदर फिर तभी भी उससे गुस्सा नहीं होती। ऑब्वियसली हम सब लोगों को ये चीज़ तो पता है कि माँ को हम जितना मर्जी परेशान कर ले दुखी कर ले वो कभी भी हमें बद्दुआ नहीं देती, कभी हमसे अपसेट नहीं होती। लेकिन हाँ कुछ एग्जांपल है अभी मैं बाद में बताऊंगी जिसमें ये चीज़ कुछ कुछ पॉइंट्स पे ना मतलब ऐसा भी हो जाता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, अभी मैं बताती हूँ। तो इस वीडियो का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें उसकी मदर ने उसको बोसा, उन्होंने बोला ना पास बुलाया बोसा दू, उससे मदर ने बोला था बेटा मेरे पास आ, मुझे दिख नहीं रखता, मेरे पास आ ताकि मैं तुझे छू के तेरी खुशबू महसूस करूँ और तुझे बोसा दे सकूँ। तो बोसा मुझे पता है, बोसा मीन्स किस। तो उसकी मम्मा उसको चूमना चाहती थी उसकी मदर, और उसको फील करना चाहती थी कि मेरा बेटा यहाँ पर है। तो और जो मैं बोल रही थी कि सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं, मतलब मैं नहीं कहती कि कोई पेरेंट्स बुरे होते हैं, सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट मैंने खुद ये चीज़ भी देखा है कई लोगों का कि मतलब पेरेंट्स ना मतलब इतना कोऑपरेटिव नहीं होते बच्चों के साथ में जितना, पता नहीं, चलो छोड़ो उस चीज़ को नहीं डिस्कस करते क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देखे और उन लोगों को वो चीज़ बुरी लग जाए। बट हाँ मैं ये ज़रूर सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो पेरेंट्स भी हैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बहुओं को, अपनी बहुओं को स्पेशली अपनी बेटी की तरह ही मानो। बेटे भी उनसे, वो अपने बेटों को भी दूर कर देते हैं अपने आप से इस चक्कर में क्योंकि वो बहू को, जो उनकी बहू आती है डॉटर इन लॉ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अननेसेसरी वो टसल होता है फैमिली में, मन मुटाव से होते हैं ना कि वो बोलते हैं बेटे को कुछ बोलते हैं, वाइफ फिर अपने हस्बैंड को कुछ बोलेगी, तो वो सारे टसल, वो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसमें क्या होते हैं पेरेंट्स फिर अपने बेटे से भी मुंह बना लेते हैं, बहू से भी मुंह बना लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले बहू को एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं है कि ये सोच के चलो पहले से ही भैया इसकी तो शादी हो गई अब हमारा बेटा गया हाथ से, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपना दिल साफ़ रखेंगे, बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, तो ऑब्वियसली बहू भी आपको, जो आपकी डॉटर इन लॉ है, वो भी आपको अपने पेरेंट्स ही समझेगी। हमेशा लोग बोल देते हैं दूसरे घर की बेटी है ये क्यों हमको माँ बाप समझेगी, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा करती है, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बहू, कोई भी लड़की जो होती है वो कभी किसी दूसरे घर में ये सोच के नहीं जाती कि अब मैं उस घर में जा रही हूँ मैं परेशान करूँगी उन लोगों को, ऐसा कोई लड़की नहीं सोचती है, चाहे वो कितनी भी टफ हो, कितनी भी एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन सब लड़की चाहती हैं कि वो अपने घर में सुकून से रहें ससुराल में भी। लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को और अननेसेसरली वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं फैमिली में। तो अच्छा जी, इस वीडियो को आज की मैं यही ख़त्म करती हूँ, बाय बाय।